मेरा नाम कर्ण सिंह बामल है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूं और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में माइनिंग जिला माइनिंग अधिकारी और असिस्टेंट वार्डन वाइल्ड लाइफ भी के पदों पर भी मैंने काम किया है। 40 साल की करीबन मेरी चंडीगढ़ प्रशासन की नौकरी है, जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन और ये वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड माइनिंग, ये 4-5 महकमे मेरे पास रहे हैं। और क्योंकि मैं एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी रहा हूँ और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून से मैं ट्रेंड हूँ, तो वहाँ पे हम लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में ये जब समझा तो आफ्टर रिटायरमेंट मेरे दिमाग में आई क्यों ना हम भाई हर्बल प्रोडक्ट तैयार करें, जिसमें मेडिसिन का, खाद का, दवाई का प्रयोग ज़्यादा ना हो। तो मैंने मध्य प्रदेश में गांव डुडवारा जिला नरसिंहपुर में आकर के ज़मीन ली और यहाँ पे हम गन्ना लगाते हैं और गन्ना का गुड़, खुद गन्ने का गुड़ बनाते हैं। क्वालिटी हमारी ये है, आप जैसे देख रहे हैं लेबर ताज़ा गन्ना काट रही है, ताज़ा ही लोड हो रहा है और आज ही इस गन्ने का गुड़ बनेगा। इससे गन्ने की मतलब सूखता नहीं है और गुड़ की क्वालिटी बहुत बेहतरीन क्वालिटी गुड़ की बनती है। ये एक मेरा शौक है, मैंने कभी ये नहीं सोचा भाई इससे मैं क्या पाऊंगा और क्या खोऊंगा, लेकिन मेरा एक ये उद्देश्य है कि भाई आने वाली पीढ़ी को बगैर खाद का, बगैर दवाइयों का एक जैविक गुड़ जैसे इनको मिले। और मैं इस गन्ने में जैसे आप साइज देख रहे हैं, मैंने इसमें ज़्यादा यूरिया और खाद का प्रयोग नहीं किया है, ये नेचुरल गन्ना है और इसी वजह से इसकी गुड़ की क्वालिटी बनी रहती है, ताज़ा कटता है, ताज़ा जाता है और ताज़ा ही हम गुड़ बना लेते हैं। मेरे पास जैसे लोग ये काम करते हैं लगातार, करीबन 70-80 की टीम रोज़ाना मेरे पास काम करती है, 15-16 तो गुड़ भट्टी पर रहते हैं, कुछ लोग गन्ना काटते हैं, कुछ इसको छीलते हैं, कुछ इसको लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। तो ये मेरा शौक है और मैं साल में 2-3 महीने यहाँ लगातार रह करके फार्म पे ये गुड़ तैयार करवाता हूँ, गुड़ और शक्कर तैयार करवाता हूँ, जो बामल गुड़ उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी सप्लाई में चंडीगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, हांसी, अपना मैं क्योंकि मैं बेसिकली मैं भाटोल जाटान गांव से हूं और मेरी तहसील हांसी है, ज़िला हिसार है, हरियाणा से मैं हूं। मैंने सर्विस ज़रूर चंडीगढ़ में की, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में की, गांव से मैं जुड़ा रहा, ये गांव से तो मैं हमेशा ही जुड़ा रहा हूँ। तो ये जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म है, इसी की मैं ये सेवा कर रहा हूँ। हम रेट भी बिल्कुल वाजिब लेते हैं और मतलब जिसमें काम भी चले, मतलब कोई ज़्यादा रेट हम लोगों ने गन्ने के नहीं रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ काम करने से इससे करीबन जैसे आप देख रहे हैं फील्ड में 80-90 लोगों को रोज़गार मिलता है। हम 11 साइज में गुड़ बनाते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। ये 5 ग्राम है, इसके बाद वो 15 ग्राम का है और ये लेबर लगभग हर साल यही लेबर काम करती है, ये एक्सपर्ट हैं इस चीज़ को देखने के लिए। और इसके बाद 100 ग्राम का है, ये जो इसके लकड़ के सांचे बने हुए हैं ये हमने कर्नाटका से मंगवाए थे, ये क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। इसका साइज आप देखोगे 100 ग्राम का, ये साइज है, ये 100 ग्राम का साइज है। इसके बाद 250 ग्राम सेम साइज में, सेम शेप में, मतलब 250 ग्राम, हाफ के जी, 1 के जी के 2 टाइप के फर्मे हैं, 5 के जी और 10 के जी, ये जो रखा हुआ है ये 10-10 किलो का है जो ये भर रहे हैं। आप ये जो कलर देख रहे हैं ये कलर गन्ने की वैरायटी पर डिपेंड करता है। ये जो गन्ना, ये जो गुड़ है, ये जो आपको मैंने गन्ना दिखाया है ये 686032 है, इसको नीरा गन्ना भी बोलते हैं। तो इस गुड़ का कलर इस टाइप का कलर आएगा। अगर 1008
गन्ना है तो उसका थोड़ा क्रीम टाइप का कलर आएगा, वो डार्क कलर में नहीं रहेगा। उसकी शक्कर बहुत बेस्ट बनती है, जिसको हम जैगरी पाउडर बोलते हैं। इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको हम चाक बोलते हैं। इस चाक को हमने पूरा ग्रेनाइट से ग्रेनाइट लगाया हुआ है, ताकि किसी भी टाइप का करकराट, कंक्रीट या सीमेंट का जैसे पोर्शन जब इसको मिलाते हैं, अगर सीमेंट का चाक है तो वो सीमेंट मिल जाती है, उससे गुड़ की क्वालिटी नहीं रहती, करकराट आता है, खाने में स्वाद अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये भट्टी की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने लेटेस्ट उससे की हुई है। इसके अंदर चार कढ़ाई इनको बोलते हैं। जो पहले वाली कढ़ाई है वो 72 इंच की है, यानी 6 फिट की है। उसके बाद 70 इंच की ये होगी और 68 इंच की ये होगी। तो जब जैसे इसकी चौड़ाई है उसमें अच्छी तरह प्रॉपर आप देख रहे हैं कैसे इसका उबाल आया हुआ है, कलर कैसा है इसका गन्ने का उबलने के बाद। ये टाटा की कढ़ाई हम लोगों ने लगाई हुई है, इसको हम इजीली साफ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी अगर जैसे आपने इसकी 1 घंटा रस को वेट करा दिया, उस टंकी के अंदर करा दिया, तो खटास आ जाएगी और खटास के बाद ये क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती, ना ये बनेगी। अब जैसे जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उससे आप जैसे हम जैगरी पाउडर बनाते हैं तो मीठा सोडा डलता है 100 ग्राम 1 क्विंटल के अंदर, वो डालने के बाद भी गुड़ या चाय नहीं, मतलब दूध या चाय कोई चीज़ नहीं फटेगी, जैगरी पाउडर के अंदर भी नहीं फटेगी, गुड़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये हमारी क्वालिटी को दर्शाता है। हम चैलेंज के साथ इसको सेल करते हैं कि भाई ना चाय फटेगी ना दूध फटेगा, आप खीर बना लो, किसी तरह से प्रयोग कर लो। जैसे मैंने शायद पहले भी आपको बताया है, हम 11 टाइप के बनाते हैं। ये 5 ग्राम है ये साइज, और ये 15 ग्राम है, और ये 50 ग्राम का है, और ये 100 ग्राम है। इसी के सेम साइज में 200 ग्राम भी बनाते हैं, फिर 500 ग्राम बनाते हैं, 1 किलो के 2 साइज बनाते हैं, 5 किलो का भी है पैकिंग और 10 किलो की भी पैकिंग है। इसके साथ साथ हम ड्राई फ्रूट स्पेशल ऑर्डर पे भी बनाते हैं, ड्राई फ्रूट डाल करके, और चटकारा एक हमारा स्पेशल ब्रांड हम लोगों ने निकाला है, जो बिल्कुल ही हाजमोला टाइप जैसे हम उसको कह सकते हैं, डाइजेस्टिव रोल वो बहुत ज़्यादा अदा करता है। खाने के बाद अच्छे अच्छे होटलों में ये हम सप्लाई देते हैं, वो खाने के बाद आम पब्लिक को सौंफ और इलायची और इसकी जगह इसी का दे देते हैं। तो हमारे मतलब खासियत हमारे गुड़ की क्या है और वो क्यों है, वो इसलिए है कि हम 3-4 वैरायटी हमने गन्ने की लगाई हुई है जो पूरी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। 1008 है, बिल्कुल लंबा सीधा गन्ना जाता है और इसका क्रीम कलर का गुड़ बनता है। दूसरा 86032 है, 86032 का थोड़ा हा ब्राउन कलर का गुड़ बनता है और ये सॉफ्ट गन्ना होता है, अच्छी पैदावार ये भी देता है। 85 नंबर भी गन्ना है, 48 नंबर भी है। तो ये 4 वैरायटी हमने अपने इस फार्म पे लगाई हुई हैं, जो चारों वैरायटियों का गुड़ एक से एक बढ़ करके बनता है। ये मैं आपका परिचय हमारी जो टीम है इस बामल गुड़ उद्योग में जो काम करती है उनसे कराता हूँ। ये संतोष कुमार जी हैं, ये डुडवारा के हैं, मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर के हैं। ये सारा गन्ने की बुआई कटाई, इसकी सिंचाई, इसका सारा प्रबंध ये देखते हैं। 1 साल तक ये इस गन्ने की पूरी पैदावार को पूरे सही तरीके से यहाँ क्रशर तक ये आगे तक पहुँचाते हैं। मेरा नाम गोविंद कुमार ठाकुर, ग्राम डुडवारा का रहने वाला हूँ। सर के पास मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ 60-70 लेबर लगे रहते हैं, सुबह से 5-6 घंटे काम करता है, और यहाँ पे ताज़ा गन्ना सील के भटिया पे ले जाते हैं, और जो भी मौका पे सिंचाई वगैरह भी रहती है वो भी शिफ्ट मगर बदलते रहते हैं। यहाँ मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ सर के पास।